हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली अभी हम निकल रहे हैं शिमला के लिए, क्योंकि हमारे म्यूजिक वीडियो की शूटिंग है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, तो वो शूटिंग है शिमला में। तो यहाँ से निकलते हैं, अराउंड 350 किलोमीटर है और आज हम वहाँ पे पहुँचेंगे। शूटिंग है वो कल है, तो देखते हैं जो भी है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी म्यूजिक वीडियो वगैरह किया नहीं है। और जो म्यूजिक वीडियो है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का है, फन टाइप का है। 8 बजने वाले हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन 2 घंटे लेट हो गए हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। फिलहाल पीयूष भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, पैकिंग भी हो चुकी है, फिलहाल अब निकलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, तो और को पता चल गया कि हम जा रहे हैं। इसलिए देखो किस तरह से मिल रहे हैं हमसे ये, क्या आजकल टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे अच्छे से। मस्त शूट करके आऊंगा, मजा आ जाएगा। और गाड़ी उड़ी आराम से, और ध्यान से इसका ध्यान रखना, गुड़ी आते गुड़ी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पहाड़ पे तो मैं ही चलाऊंगा, पहाड़ पे तो मैं ही चलाऊंगा, ठीक है बाबा जी। मस्त शूट, आराम से जाना, बढ़िया से जाना, ठीक है ना। प्रणाम। बंदे हो गए पीछे, पूरे 10 लोग हो गए। ये देखो कितने सारे हो गए आज, बच्चे बच्चे सब हैं। तो अभी जाने से पहले डीजल फुल करा लेते हैं, फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। 89। तो साथ में हमारे सोनू भैया की वाइफ और नवीन की सिस्टर भी थी, उनको यहीं पे पास में गांव में जाना था, तो उनको छोड़ दिया है। और अभी हम जाएंगे फिलहाल 5 जने, सोनू भैया, नवीन, पीयूष, साइलेंट में। तो अब फिलहाल हम जाएंगे पहले चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला। तो अभी बाकी है 253 किलोमीटर, 5.5 घंटे दिखा रहा है ये, 4 बजे तक पहुँचेंगे हम। तो गाइस अभी सिर्फ 150 किलोमीटर बाकी है, इतनी स्पीड में आ रहे हैं ना हम। पावर मोड मैंने ऑन कर रखा है, 120 चल रही है सही। और रोड भी काफी मस्त रोड है ये चंडीगढ़ वाला, खाली रोड है। और पीयूष भी सो चुका है आराम से, मतलब मजा ही आ रहा है। अभी पहुंच जाएंगे हम, ये 4 घंटे पता नहीं क्यों दिखा रहा है। अच्छा, पहाड़ पे जाने साथ इसलिए दिखा रहा है। मैं आज तक कभी शिमला नहीं गया था घूमने के लिए, और अब देखो सीधा जा रहे हैं अपनी म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए। देख लो, वैसे घूम नहीं पाएंगे हम, सिर्फ शूट करके अगले दिन वापस आ जाएंगे। कल मेरा शूट है, परसों वापस आ जाएंगे। घूमने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, घूमने फिर कभी आएंगे अच्छे से। तो अभी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हम, और चंडीगढ़ पहुंचते ही जाम में फंस चुके हैं, इसीलिए दिखा रहा है कि ये 3.5 घंटे लगेंगे। सिर्फ 113 किलोमीटर बाकी है, फिर भी 3.5 घंटे दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। तो हमने हिमाचल प्रदेश में एंटर कर लिया है फिलहाल। शिमला यहाँ से अभी 80 किलोमीटर होगा बस। हाँ, 86 सो रखा था आराम से। जाते हुए हमने टंकी फुल कराई थी, अब पहुँच गए, अब फिर से करा रहे हैं। वैसे अभी शिमला तो नहीं पहुंचे, हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। 95 रेट है भाई, 2.5 रुपए सस्ता है हरियाणा से। तो गाइस पहाड़ों पे तो एंटर कर लिया है, और यहाँ पे रोड जो कितनी मस्त बना रखी है, 2 लेन वाली रोड पहाड़ पे, हमारे उत्तराखंड में नहीं है ऐसी। तो देखो यहाँ पे मतलब काफी सही है, सेफ्टी काफी बढ़िया है। तो अभी हम पहाड़ पे भी जाम में फंस गए, और जाम का फायदा उठा के इन्होंने ये ले लिया, बुड्ढी के बाल। मेरे को भी तो बचपन में बहुत खाए हैं। तो अभी यहाँ पे रुके हैं कुछ, शायद मैगी वैगी खाएंगे यहाँ से। मतलब किस एंगल से लग रहा है ये पहाड़ है, क्योंकि यहाँ पे पूरा हाईवे बना हुआ है पहाड़ के ऊपर ही। छोले कुलचे बना दो भैया, छोले कुलचे 1, 2, 3, 4, 5 बना दो, बाकी जो भी है सही है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो अभी अपने छोले कुलचे तो आगे मस्त गाड़ी में रख के खाएंगे। तो गाइस शिमला तो पहुंच चुके हैं, और शाम के 5 बज गए हैं। तो यहां से हमारा रिजॉर्ट है अराउंड 20 किलोमीटर दूर है ऊपर, जहाँ पे शूट होगा पूरा। 20 किलोमीटर का भी पूरे नहीं हो रहे। तो 20 किलोमीटर करने के लिए दिखा रहा है ये 1 घंटा। चंडीगढ़ तो हम पहुंच गए थे 12 बजे, मतलब 5 घंटे लग गए हमको 100 किलोमीटर करने में, 5 घंटे लग गए, क्योंकि पहाड़ों पे काफी केयरफुली चलाना पड़ता है ना। और ड्राइव कर करके सुबह से मेरी हालत खराब हो गई है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, और ये मोड़ों पे तो बस 6 बजने वाले हैं। तो अराउंड 9 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, मेरे हाथ पैर सब चीज की वाट लग चुकी है। कल मेरा शूट है और मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ इतनी ज्यादा। पता नहीं कहाँ जंगलों में जाके रिजोर्ट,
लेकिन लोकेशन काफी प्यारी है। सिर्फ एक गाड़ी की जगह है। पहुंच चुके हैं। यही है, यही है। मेरी क्या हालत, तुझे सोच सकता है मेरी क्या हालत? वही तो भाई, 350 से ज्यादा किलोमीटर चलाया तूने। अरे 9 घंटे से, 9 घंटे, 9-10 घंटे लगातार। मतलब यार सोचने वाली बात है। है सुन भैया, सुन भैया, 9 घंटे लगातार देख लो। मजा आ गया भाई, ये देखो बिल्कुल टॉप पे है। लिटरली मेरी तो हालत खराब हो गई है, बैक में पेन हो रहा, हाथ पैरों में फुल पेन हो रहा। अब कल शूट है, मस्ती मस्ती में चला तो ली इतनी गाड़ी, तो भी चलते हैं चेक इन करते हैं। यहाँ पे तो गाइस लिटरली बहुत ही ठंड हो रही है, मैं तो गर्म कपड़े भी नहीं लेके आया, पहुँचते ही काफ़ी ठंड लगने लग रखी है। तो यहाँ पे एंटर करते ही हमको घेर लिया था अभी। यहाँ पे मतलब जितने भी लोग स्टे कर रहे हैं सारे हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, अच्छा लग रहा है। और उनके बीच में हमारा कल शूट होगा, तो वो देखेंगे हमारा शूट। मतलब ना लोग एकदम से शौक में जाते कि ये कल तो मतलब उत्तराखंड थे, आज यहाँ किस तरह से पड़ गए, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है वो एक दिन लेट चल रहा है ना। तो फिलहाल हमको रूम की चाबी मिल चुकी है, चाबी इस तरह की होती है। ओए इतना ही, इतना वो हरकतें नहीं करनी यहाँ पे। आगे द वाइन एंड द कॉर्कस्क्रू, यू डोंट हैव टू डू वन सिंगल थिंग। तो ये सामने वाले इनमें से दो रूम है हमारे। चलो वो ऐसी हरकतें मत कर पीयूष यहाँ पे प्लीज। तो अभी रूम में तो एंटर कर लिया, इसको खोल दे पूरा। अरे वाह, यहाँ से तो मस्त व्यू है, पूरे पूरे रिसॉर्ट का व्यू है यहाँ से। एक बार वॉशरूम चेक कर लेते हैं, मेन चीज वॉशरूम। हाँ। तो यहाँ पे ये बैठने का एरिया है। क्या हुआ भाई, मेरे को करने दो तो। अच्छा, और बेडरूम ये सही है? ओरियो आए? ओरियो नहीं आया। मम्मा आके? मम्मा भी नहीं आए। अभी हम ना शूट से आए, हमारा शूट है यहाँ पे। यहाँ पे तो मतलब जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं सारे। Just looking at you makes my whole world spin. तो हमने दो रूम लिए थे, एक रूम ये, एक रूम ये। यहाँ से भी व्यू दिखता है और यहाँ से भी व्यू दिखता है। बस यही करने आए हैं। तो भी पहले तो कुछ खाएंगे यार, बहुत भूख लग रही है। अरे रुक जा भैया, जो भी है सब मिले वहाँ। कुछ भी छोड़ यार, अपन कॉफी बना के पीते हैं। कॉफी कैसे बनाते हैं? अरे हम ट्राई मारेंगे ना, देखते हैं कैसे। नहीं नहीं, हमसे गिर जाती है भाई, हमने बहुत बार बनाई है। पहले ही ने दूध डाल दिया। हाँ तो पहले ही डालना, दूध तो डालना पड़ता है भाई। वैसे कुछ भी नहीं डाला था, खाली पानी पानी उबाल लो। पानी उबाल के उसमें फिर कॉफी डाल के फिर थोड़ी और बॉईल करके फिर इसमें दूध डाल के घोल के। यहाँ पे देखो जो भी लोग स्टे करने के लिए आए, सारे मस्त से खेल रहे हैं, बैठे हैं आराम से, फुल एंजॉय कर रहे हैं। सोनू भी और साहिल तो फोटोशूट कर रहे हैं अपना वहाँ पे, देखो बाकी क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे, लोग बैठे हैं, मस्त है ना। अब कल इन सबके सामने मेरा शूट होगा यहीं पे, सारे देखेंगे। ये तो आते ही सीधा बेड के अंदर घुस गया। इसको ये वाली ब्लैंकेट पसंद है, टीवी चला लिया इसने। तो अभी हम देख रहे हैं शिनचैन, मतलब क्या इंटरेस्ट आ रहा है देखने में सबको यहाँ बैठ के। बाय द वे अंधेरा हो चुका है बाहर, तो फाइनली खाना आ चुका है, थोड़ा बहुत हमने ऑर्डर किया था। जल्दी से पहले तो खाना ही खाते हैं यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बिकॉज कुछ खाए थोड़े बहुत छोले भटूरे खाए थे बस। तो अब फिलहाल एडिटिंग शुरू करते हैं। पीयूष और साहिल तो यहाँ पे आराम से, ये दोनों सो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है क्या? थक गए होंगे ना, और मेरे को सही एरिया मिल गया यहाँ पे अलग से एडिटिंग करने का। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, व्लॉग एडिट हो चुका है, और अभी डायरेक्टर आए थे, उनसे बात होगी सब कुछ किस तरह से क्या शूट है। तो कल सुबह सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, बिकॉज 7 बजे से सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, फिलहाल तो मैं इसको प्रोड लगा के जल्दी सो जाऊँगा, बिकॉज सुबह जल्दी उठना है और शूट स्टार्ट करना है। देखते हैं जो भी रहेगा, आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिलहाल अभी साहिल और पीयूष तो सो चुके हैं वहाँ पे, मैं बस एडिटिंग ही कर रहा था, मैं भी सो ही जाऊँगा। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सिर्फ 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर वाह, सिर्फ 900 मीटर है क्या? We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Ooh.